झालावाड़ जिले के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बद में पर्यावरण संरक्षण में योगदान के मकसद से राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय बड़बद के बच्चों ने बुधवार को विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। उनके इस प्रयास में शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन ने भी पूरा सहयोग किया। पौधारोपण के बाद बच्चों ने इन पौधों को पोषण एवं संरक्षण के लिहाज से एक एक पौधा गोद लिया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यहाँ बच्चों ने बरगद पीपल और नीम के पौधे लगाए। इसी तरह के 251 पौधे रोपे गए। इस मौके पर प्रिंसिपल नंदकिशोर मीणा जी ने छात्र छात्राओं को पर्यावरण पुस्तक के माध्यम से भी संदेश दिया, जिसमें पर्यावरण के बारे में छात्र छात्राओं को भी समझाया गया। आज के असंतुलित होते पर्यावरण में संतुलन कायम रखने के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 100 पौधे न केवल लगाने चाहिए बल्कि वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। झालावाड़ से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बद है और ये पंचायत समिति मनोर थाना के अंतर्गत आता है। ये मनोर थाना एरिया में ये जो बड़बद का क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम लगाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे इसलिए लगाए गए हैं कि लोगों को ये संदेश जाए कि पर्यावरण को बचाना भी है और पेड़ पौधे भी हमें लगाने हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके और अच्छी वर्षा हो सके। इसके लिए हमने प्रयास किया है और विद्यालय में करीब आज 200 पौधे लगाए गए हैं। उनमें विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जैसे सप्तपत्ती है, बैगन बोलिया है, नीम है, शीशम है और अशोक है और विभिन्न प्रकार के गुलाब के फूलों के पौधे। इसके साथ साथ हमने एक किचन गार्डन और तैयार किया है। वो किचन गार्डन 30x40 का है, उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां बोई गई है ताकि बच्चों को जो पोषण मिलता है तो वो अच्छी सब्जी मिले, बिना खाद की मिले। बिना खाद के हम सब्जी तैयार करते हैं और मिड डे मील के अंतर्गत इन बच्चों को ये देते हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर भारतीय को, हर संस्थान को, हर व्यक्ति को कम से कम एक एक पौधा लगाए और ताकि अपना पर्यावरण की रक्षा हो सके और अच्छी वर्षा हो सके। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम नंदकिशोर मीणा, प्रधानाचार्य और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बद, पंचायत समिति मनोर थाना, जिला छतरपुर। धन्यवाद।